कुछ बहुत गलत ये फिल्म कर रही है, वो भी शास्त्रों का आधार देकर हमारी संस्कृति का नाम ले। और कहीं पर भी एक श्लोक तक नहीं बताया गया, कोई प्रमाण नहीं दिया गया। करोड़ों करोड़ों युवाओं को काम वासना के दलदल में धकेल रही है ये फिल्म भगवान का नाम ले। तो ये मूवी हस्त मैथुन को कॉमन और नेचुरल प्रचार करना चाह रही है। बड़े ही स्मार्टली ये पिक्चर बनाई गई है। ये बहुत बड़ा एडिक्शन है जिसकी कोई दवाई नहीं। तो फिल्म देखकर ये समझ नहीं आता कि आखिर भगवान शिव ने ये कैसा रास्ता ढूंढा अपने भक्त को इंसाफ दिलाने। एक ऐसा सिनेमा बनाया गया है जो थिएटर से बाहर निकलकर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हरे कृष्णा। सिनेमा एंटरटेनमेंट का माध्यम है, लेकिन उसी के साथ साथ ये लोगों के जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसीलिए हमारी युवा पीढ़ी बहुत सी गलत आदतों और लत का शिकार बन चुकी है। फैशन के नाम पर ड्रग एडिक्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आम होता जा रहा है, जो फिल्म इंडस्ट्री की ही देन है। और फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उनके प्रोडक्ट को किस तरह से पैकेजिंग करके परोसना है। सनातन संस्कृति की पैकेजिंग करके उसके अंदर वो अब अपना एजेंडा परोस रहे हैं और लगातार एक के बाद एक हमारी संस्कृति के बारे में गलत तथ्य बतला रहे हैं। आम और भोली वाली जनता को गुमराह किया जा रहा है। और इसी कड़ी में है अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2, जो सनातन संस्कृति का इस्तेमाल कर मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन को नॉर्मल बताकर पाश्चात्य जगत का एक भयावह एजेंडा फैलाना चाह रही है। और दिखाया इस तरह से है इसे कि कितनी ज़रूरी है ये फिल्म, बनाया इतने नॉर्मल तरीके से है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिल्म एक वीडियो से शुरू होती है जो अचानक से इंटरनेट पर फैलता है और एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वहाँ से सस्पेंड हो जाता है। वीडियो में जो कुछ भी है उसका पूरा आरोप इल्ज़ाम आता है उसके पिताजी पर, जो महादेव शिवजी के मंदिर में काम करते हैं, कि उनका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। अब गलती करी है तो सजा भी मिलेगी और सजा मिलने के कारण लड़का डिप्रेस होता है, रेल की पटरी पर अपना जीवन समाप्त करने जाता है। लेकिन फिर होता है चमत्कार, क्योंकि लंबी चौड़ी ट्रेन भी इस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कैसे? क्योंकि इसका हाथ पकड़ के पीछे खींचने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। फिर शुरू होती है एक ऐसी जंग जिसमें तलवार बंदूक आदि कुछ नहीं चलता, क्योंकि हार जीत का फैसला करेगी जज साहब की कलम। तो फिल्म देखकर ये समझ नहीं आता कि आखिर भगवान शिव ने ये कैसा रास्ता ढूंढा अपने भक्त को इंसाफ दिलाने का। ये सब सिनेमा क्या एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है? क्या ये छुप कर हमारे आपके सबके दिमाग और इससे भी आगे हमारे और आपके बच्चों के जीवन से नहीं खेल रहे? एक ऐसा सिनेमा बनाया गया है जो थिएटर से बाहर निकलकर भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि आपके दिमाग में ये चलेगा कि एक बच्चे ने मास्टरबेट ही तो किया और उसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया, तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की, छोटी सी तो बात थी, क्या हुआ। तो ये मूवी हस्त मैथुन को कॉमन और नेचुरल प्रचार करना चाह रही है। बड़े ही स्मार्टली ये पिक्चर बनाई गई है। लेकिन सच कहें तो जितना नुकसान मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे देश और संस्कृति का नहीं किया ना, उससे ज्यादा नुकसान इस फिल्म से हो रहा है। और इसीलिए आज हम इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला, फिल्म में खजुराहो के मंदिर और हमारे शास्त्रों को आधार बनाकर जिस व्यभिचार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसका हम खंडन करेंगे। दूसरा, वीर्य की रक्षा और ब्रह्मचर्य रक्षा का क्या महत्व है। तीसरा, वीर्य के नाश से होने वाले दुष्परिणाम और फिर इसका सल्यूशन। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पूरी फिल्म मास्टरबेट यानी हस्त मैथुन की गलती को जस्टिफाई करती है, ना सिर्फ जस्टिफाई करती है बल्कि ग्लोरीफाई करती है। लेकिन जब तथ्य दिखाने की बात आती है तो दो तीन चीजों को बार बार घुमा फिरा कर दिखा रहे हैं, क्योंकि जिन भयावह बातों को ये प्रमोट कर रहे हैं शास्त्रों में कहीं कोई ऐसे संदर्भ इन्हें मिलेंगे ही नहीं। और कौन सी बातें? खजुराहो की मूर्तियां, कामसूत्र और पंचतंत्र की कहानियों की किताब का रेफरेंस। तो जब बात खजुराहो की मूर्तियों की है तो वो मंदिर क्यों बनाए गए, उसका इतिहास क्या है? एक बार एक युवा बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा कि हमारे मंदिरों में कुछ स्थानों पर ऐसा चित्रण मिलता है तो उसका क्या अर्थ है। तब दादाजी ने कहा कि बेटा, हमारी सभ्यता में आर्किटेक्ट और मॉन्यूमेंट्स के साथ हमें संस्कृति और फिलॉसफी सिखाते थे। तो प्राचीन काल में वैदिक भारत में अपने दर्शन को, फिलॉसफी को समझाने के लिए कलाकृतियों का प्रयोग किया जाता था।
ऐसे ही खजुराहो की मूर्तियों से वो ये संदेश देना चाहते थे कि अगर यदि आपको मंदिर के अंदर भगवान को पाना है तो आपको बाहर का, इस शरीर का, इस दुनिया का अट्रैक्शन, वासना, भोग छोड़ना होगा। ये इसलिए नहीं है कि आप सीखें कि ये कैसे करना है या फिर बस यही जीवन का लक्ष्य है, नहीं। मतलब ये था कि जब तक आप इस स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे आप भगवान को नहीं पा सकते। दक्षिण में बालाजी के अनन्य भक्त श्री अन्नमाचार्य, जो अन्नमैया के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें जब पता चला कि उनका विवाह किनसे होगा तो वो उनकी पूजा करने लगे कि सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है ये। संक्षिप्त में हम कथा कहेंगे तो एक बार भगवान एक सन्यासी के रूप में अन्नमाचार्य से मिलने आते हैं और कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें इनसे भी सुंदर व्यक्ति दिखाऊं तो क्या करोगे। अन्नमाचार्य कहते हैं कि मैं उसका दास बन जाऊंगा। तब सन्यासी के रूप में भगवान उनको मंदिर में लेकर आते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले उन्हें एक ऐसा चित्रण दिखता है जिसका चित्रण खजुराहो के मंदिर करते हैं। तो वो पूछते हैं कि यहाँ तो मंदिर में ही वही दृश्य है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो मैं करता था वो गलत था। तब भगवान, जो साधु रूप में थे, कहते हैं कि ये वो क्रिया है जो दूसरा जीवन प्राप्त कराती है। ये कोई इंद्रिय लंपटता नहीं, इंद्रिय भोग नहीं, हस्त मैथुन का कोई सपोर्ट नहीं है। तब भीतर जाने पर भगवान उनको अपना रूप दिखाते हैं, जिसे देखकर अन्नमाचार्य उनकी शरणागति ले लेते हैं। अर्थात जब बाहर का आकर्षण हटा तब भीतर का परमात्मा मिला। और पंचतंत्र की किताबों को आधार बनाकर वो ये बताना चाहते हैं कि वैदिक गुरुकुल में काम शास्त्र पढ़ाया जाता था और बच्चे उसके लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे, जबकि पंचतंत्र हमें वैल्यूज और मॉरल सिखाने के लिए काल्पनिक कहानियों की एक किताब है, वो कोई शास्त्र नहीं है। किस तरह का मानसिक दिवालियापन है ये? और हमारे शास्त्रों में क्या केवल काम शास्त्र है, कामसूत्र? अरे शास्त्रों में हमारे चार वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण, 18 स्मृतियां, इतिहास, रामायण, महाभारत, अनेकों अनेक सभी के सभी वीर रक्षा और ब्रह्मचर्य की रक्षा की महिमा से भरे हैं। और ये कहते हैं कि हस्त मैथुन नॉर्मल है, सामान्य स्वस्थ प्रक्रिया है। ऊंट कंटीली झाड़ियां खाता है, उसे उसमें स्वाद आता है। दरअसल स्वाद झाड़ियों में नहीं होता, झाड़ियों के कांटों से उसकी जीभ से खून निकलता है, जिसे ऊंट चबा चबा कर खाता है और उसे उसमें स्वाद आता है। उसे स्वाद अपने खून का आ रहा है और वो सोचता है कि मुझे स्वाद झाड़ियों से मिल रहा है, और इस तरह जीवन भर वो अपना ही खून पीता रहता है। इसी तरह से मास्टरबेशन में आने वाला आनंद कुछ ऐसा ही है, जो मन को शुरू में सुख देता है पर शारीरिक और मानसिक बल को क्षीण करता जाता है। फिल्म में कैरेक्टर कहता है कि हमारे शास्त्रों में लिंग, योनि, नितंब, वक्षस्थल शब्द आते हैं, तो हम बहुत प्रोग्रेसिव थे। तो मतलब इंद्रिय लंपट होना सही है। कितना बौद्धिक दिवालियापन है। शास्त्रों में जो ये शब्द आते हैं वो किस संदर्भ में आते हैं? इंद्रिय संयम के बारे में। मन और इंद्रियों को संयमित करें, काम वासना पर विजय पाएं। वो इंद्रिय लंपट या हस्त मैथुन का जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। अरे नाक को नासिका कहेंगे, हैंड को हाथ कहेंगे, तो उस समय वो भाषा थी तो वही शब्द उपयुक्त होंगे, प्रयुक्त होंगे। इसलिए ये लोग कहीं पर कोई श्लोक नहीं बता पाए। उनका कहना है कि मैकाले ने देखा कि गुरुकुल में कामशास्त्र पढ़ाया जाता था, जिससे भारत बहुत प्रगति कर रहा है, तो भारत की प्रगति को रोकने के लिए मैकाले ने भारत में गुरुकुल बंद करवा दिए और भारत के गुरुकुल से कामशास्त्र को उठाकर अपने देश लेकर गया और वहाँ इसका ज्ञान देकर देश को डेवलप कर दिया। किंतु सच्चाई ये है कि मैकाले ने कहा था कि यदि भारत को जीतना है तो इसकी बैकबोन, इसकी आध्यात्मिक वैदिक धरोहर गुरुकुल को नष्ट करना होगा, क्योंकि गुरुकुल में काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों को दूर करना, संयम में रखना सिखाया जाता था, ना कि काम वासना को बढ़ाने की शिक्षा दी जाती थी। और अगर फिल्म मेकर्स ये कहना चाहते हैं कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति अच्छी है, तो आयुर्वेद और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में, वो सुनिए। सनातन संस्कृति में जो चार आश्रम है, उन सब में पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। उसमें 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता था, जोर दिया जाता था। और जिस काम 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 की लोग बात कर रहे हैं, उसे नियंत्रित करने के लिए कहा जाता था। वीर रक्षा की शिक्षा दी जाती थी, ना कि उसको नाश करने की। यानी मास्टरबेशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं, बल्कि बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन की तो नींव ही ब्रह्मचर्य है।
चरक संहिता ले लीजिए, पतंजलि योग ले लीजिए, या वांगभट जी के अष्टांग योग इत्यादि जो शास्त्र हैं वो ले लीजिए। सब जगह यही मिलेगा कि आयुर्वेद के आचार्य वांगभट को कहते हैं कि संसार में जितना सुख है वो आयु के अधीन है, यानी आयु होगी तभी तो सुख भोगेंगे, और आयु ब्रह्मचर्य के अधीन है। चरक संहिता में श्लोक आता है, सत्तुमापासनाम सम्यगास्ताम परिवर्जनम ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथक विधा, कि सज्जनों की सेवा, दुर्जनों का त्याग और ब्रह्मचर्य, धर्मशास्त्र के नियमों का ज्ञान अभ्यास आत्मकल्याण का मार्ग है। चरक संहिता में चरक ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि ब्रह्मचर्य की महिमा गाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को सांसारिक सुख ही नहीं वरन मैं तो मोक्ष का साधन कहता हूँ। वो कहते हैं कि विद्यार्थियों की वहाँ जो प्रतिज्ञा होती थी आने से पहले गुरुकुल में, सबसे पहली प्रतिज्ञा कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। चरक संहिता में 3 स्तंभ बताए गए स्वस्थ जीवन के, आहार यानी योग्य आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो चरक संहिता तो बार बार ब्रह्मचर्य की महिमा कहती है, और गीता का जो श्लोक उन्होंने फिल्म में बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं काम हूं, तो सुनिए भगवत गीता 7वां अध्याय 11वां श्लोक, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अर्थात जब विवाहित दंपत्ति विवाह संस्कार द्वारा संबंध में आते हैं वो धर्म के अनुकूल है, उसमें गर्भाधान संस्कार द्वारा संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो भगवान है, उस संबंध में संतान उत्पन्न करने के लिए जो काम क्रिया है वो भगवान है, क्योंकि संतान उत्पन्न करने के लिए भी शक्ति चाहिए जो भगवान से मिलती है। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए जिनमें विवाह एक संस्कार है, और नया जीव, कैसी चेतना, कैसे विचारों का जीव, बच्चा माता के गर्भ में आए उसके लिए एक संस्कार है जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं, जिसकी पूरी विधि है जो बहुत पवित्र है। लेकिन हस्तमैथुन संस्कार कहीं पर भी नहीं बताया गया हमारी संस्कृति में, जो कि आज वो नॉर्मल बता रहे हैं। OTT पर भरा हुआ है सारा कंटेंट, एक क्लिक में साइट्स खुल जाती हैं। तो शास्त्रों को लेकर झूठी बातें क्यों फैलाई जा रही हैं, बर्बादी के रास्ते पर बच्चों को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, जहां से उसे बचाना चाहिए उसका जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, वो भी भगवान और संस्कृति का नाम लेकर। गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है, क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अभी सर्वभक्षी तो काम कोई शरीर तो है नहीं कि सब कुछ खा जाएगा, इसका मतलब ये कि काम वासना का कभी पेट नहीं भरता, जितना करोगे उतना भड़कता जाएगा, जैसे अग्नि में जितना घी डालते जाएंगे उतना ही ये भड़कती जाएगी। देखा होगा आप सबने, कुछ लोगों को आप जानते भी होंगे कि एक सीमा पर बच्चे से एडिक्ट हो जाते हैं, पॉर्न देखे बिना नींद नहीं आती, और सबसे कमाल की बात कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नेचुरल है। नेचुरल तो मलमूत्र विसर्जन है जो आप रोक नहीं सकते, आपको जाना पड़ता है, ये तो आप जबरदस्ती कुछ गंदा चिंतन करके अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, ये कैसे नेचुरल है? जरा सोचिए, जब कोई ऐसा चिंतन करता है तो क्या वो पेड़, लकड़ी, घर, बिल्डिंग या अपने एग्जाम्स के बारे में सोचता है? नहीं, वो ऑपोजिट जेंडर के बारे में गलत व्यवहार की कल्पना करता है। तो इस कृत्य को, इसे बढ़ावा देकर क्या हम बच्चों को, बेटियों को सुरक्षित कर रहे हैं? ये एजुकेशन देकर हम सुरक्षित करेंगे हमारी जनरेशन को? शिव संहिता में स्वयं शिव जी कहते हैं, सिद्ध बिंदो महादेवी किम न सिद्ध्यति भूतले, अर्थात शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर रक्षण सिद्ध होने के बाद ऐसी कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती, व्यक्ति नहीं कर सकता? और आगे उन्होंने कहा कि इसके प्रताप से ही मेरी ऐसी महिमा हुई है, ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है, इससे बढ़कर तपश्चर्या 3 लोकों में दूसरी नहीं हो सकती, भगवान शिव जी ने कहा। और फिल्म में सबसे प्रमुख पात्र वीरनाश को नॉर्मल बताता है। जैन शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मचर्य सब तपों में उत्तम है। अथर्ववेद कहता है कि वृत्तेषु वैवै ब्रह्मचर्यम्, कि ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट व्रत है। महाभारत, चरक संहिता, शिव पुराण, पतंजलि योग, सभी हमारे सारे शास्त्र ब्रह्मचर्य की महिमा कहते हैं, ना कि हस्तमैथुन को नॉर्मल और सही बताने की बात करते हैं। गीता में 3रे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो,
यानी सेक्स एजुकेशन नहीं, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है सब जगह, स्कूल्स, कॉलेजेस में। शास्त्र भरे पड़े हैं ब्रह्मचर्य की महिमा से, आप खुद देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो यदि अब आप हमसे पूछें कि हम इतना क्यों इस बारे में बोल रहे हैं, ऐसा क्या है वीर्य यानी सेमन में, तो अगर आपके मन में अब भी ये प्रश्न है कि किसकी सुने, और अगर हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो इससे क्या होगा, तो सुश्रुत संहिता के अनुसार उसमें कहा गया, रसरा दत्तम ततो मांसम मनसन मेदो ततो अस्थि च अस्थिनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रजायते। मतलब कि जो हम भोजन करते हैं उससे पहले रस बनता है, जिसे मॉडर्न साइंस प्लाज्मा फ्लूइड कहती है। 5 दिन तक जब बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है तो उससे बनता है रक्त यानी ब्लड। फिर 5 दिन बाद इस रक्त से मांस यानी हमारे मसल बनते हैं, जिसके कारण ही हमारा स्ट्रक्चर बनता है। फिर इससे बनती है मेधा यानी हेल्दी फैट टिश्यूज, जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, जिससे हमें शक्ति मिलती है। और फिर इस एनर्जी यानी मेधा का इस्तेमाल करके अस्थि यानी हड्डियां बनती हैं। और जब हमारी बॉडी बोन्स क्रिएट कर लेती है, तब इन हड्डियों से बनता है बोन मैरो, और आखिर में इस बोन मैरो से बनता है शुक्र धातु, जिसे हम सब सीमेन कहते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों के शरीर में होता है। मेल की बॉडी में इसे वीर्य, तो स्त्री के शरीर में इसे रज कहते हैं। यानी शुक्र धातु सीमेन बाकी के 6 धातुओं के सबसे प्योरेस्ट फॉर्म से मिलकर आखिर में बनता है। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, पवित्र माना जाता है, क्योंकि सीमेन में एक नया जीवन देने की शक्ति होती है। और तथ्य यह है कि मॉडर्न साइंस ये बिल्कुल सही मानता है कि हाँ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम पूछें कि क्या हम अपने शरीर में से रोज केवल 10 ग्राम खून निकाल कर फेंक दें तो ये सही होगा, तो सब इस पर गुस्सा करेंगे, कहेंगे क्या कर रहे हो, बेवकूफ हो, दिमाग खराब है, कुछ दिनों में सारे तुम्हारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, तुम मर सकते हो। अगर हम ऐसे ही हड्डियों, मसल्स और बोन मैरो को बर्बाद करने की बात करेंगे तो एक्सपर्ट्स हमें कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने देंगे। लेकिन जब बात सीमेन की आती है तो फिर वो नॉर्मल कैसे हो जाता है, वो स्वस्थ प्रक्रिया कैसे है, सोचिएगा। आयुर्वेद के अनुसार रक्त की 80 बूंदों से 30 दिन 4 घंटे में एक बूंद वीर्य बनता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर हर दिन 80 बूंद खून बहाना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो इसी खून से बने फाइनल प्रोडक्ट यानी सीमेन को रोज यूं ही कितनी बार बहाना कितना सही और स्वस्थ है, इससे हमारे शरीर को कितना नुकसान होता होगा, खुद सोचिए। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, जिससे हम सभी अनजान हैं और धीरे धीरे इसके शिकार हो रहे हैं। और आंख जब खुलती है जब इसका एडिक्शन हो जाता है, और ऐसे फिल्म्स के माध्यम से हमें आपको ऐसे माया जाल में फंसाया जा रहा है। जबकि वीर्य यानी सीमेन शरीर में रहने से फोकस बढ़ता है, इंटेलिजेंस एक्यूट होती है, मेमोरी शार्प होती है, व्यक्ति उत्साही और आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ रहता है, विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है जिसके लिए कहा गया कि पर्वतों को हिला दे। और जिन्हें अभी भी कन्फ्यूजन है तो उनके लिए कहा गया है कि जब कुछ लोग कहें कि बाहर बारिश हो रही है और कुछ कहें कि बाहर बारिश नहीं हो रही, तो खुद बाहर जाकर देख लेना चाहिए कि बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि खुद के अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता, प्रमाण आपको खुद मिल जाएगा। और आयुर्वेद कहता है कि जब कोई इंसान वीर्य का नाश करता है तो इससे 3 तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स। शारीरिक प्रॉब्लम में एक मनुष्य ये अनुभव करता है कि उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, आंखें, डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, मसल ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, यहाँ तक कि छोटी सी उम्र में चेहरे पर झुर्रियाँ आना, एजिंग की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। वहीं मानसिक प्रॉब्लम्स में बुद्धि की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, सही क्या है गलत क्या है वो विचार नहीं कर पाता, आत्मविश्वास नहीं रहता, डरा डरा सहमा रहता है, चीज़ों को याद नहीं रख पाता और किसी बात को गहराई से सोच समझ पाना तो भूल ही जाइए। और वो इन दोनों समस्याओं में जब गिरा रहेगा तो चाहकर भी स्पिरिचुअल हो ही नहीं पाएगा, पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाता है। तो अब इसको दूर करने के लिए सॉल्यूशन क्या है, तो पहला ये कि कामुक और उत्तेजित चीज़ों को देखना बंद कीजिए, दूसरा आहार पर नियंत्रण लाइए, मांस अत्यधिक राजसिक भोजन क्योंकि इससे ताकत नहीं आती, चर्बी बढ़ती है, प्रधानता संकल्प शक्ति की है, जैसे महात्मा अगस्त्य समुद्र को अपनी अंजलि में भरकर पी गए, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति महान है।
बलवान वो है जो आए हुए वेगों को सह जाए। तो पहले ऐसा भोजन छोड़ें और जो भी आए वो भगवान को अर्पित करके खाएं। तीसरा, अपने जीवन को नियमित रेगुलेट करना होगा। इसकी शुरुआत करनी होगी सूर्योदय से पहले उठने से, तो 4 से 6 के बीच में उठ जाएं। कुछ स्पिरिचुअल अभ्यास कीजिए, गंभीरता से महामंत्र जपिए, प्रार्थना के मूड में व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। सांसारिक और व्यावहारिक चीज़ों में मन लगाने से अच्छा है कि भगवान की लीलाओं को सुना जाए, शास्त्रों को पढ़ा जाए, भगवान के दर्शन मंदिर जाकर किए जाएं। और फिर चौथा ये कि आर्टिफिशियली इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो किसी भी इच्छा को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये आदत है लस्ट और इसका उल्टा है लव, अर्थात प्रेम। जब हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो हम धीरे धीरे फिर इस आदत को कंट्रोल कर पाते हैं। और प्रेम सिर्फ भगवान से होता है, बाकी सब काम है जिसे हमें नियंत्रित रखना है। तो क्या आपको अब भी लगता है कि ये नॉर्मल है और इसे हमारे 12-15 साल के युवा बच्चों को करने देना चाहिए? ये बहुत बड़ा एडिक्शन है जिसकी कोई दवाई भी नहीं। कितने बच्चे आज इससे परेशान हैं, बेबस हैं, लेकिन उबर नहीं पाते। 18 साल में ही इस लत से जब बच्चा हताश निराश हो जाएगा तो 28 और 30 साल में उसकी क्या हालत होगी, और 40 और फिर 50 साल में वो कर ही क्या पाएगा? कुछ बहुत गलत ये फिल्म कर रही है, वो भी शास्त्रों का आधार देकर, हमारी संस्कृति का नाम लेकर, और कहीं पर भी एक श्लोक तक नहीं बताया गया, कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। करोड़ों करोड़ों युवाओं को काम वासना के दलदल में धकेल रही है ये फिल्म, वो भी भगवान का नाम लेकर। कुछ लोग अनजाने में इसे प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन देखिए अनजाने में भी इस पाप के भागीदार मत बनिए, क्योंकि भगवान, ईश्वर, हमारे शास्त्र जो बात कहते हैं उससे ये फिल्म एग्जैक्टली अपोजिट है, थोड़ी बहुत नहीं, 100% विरुद्ध बात। हमारी प्रार्थना है, बाकी सबकी अपनी मर्जी, पर एक बात ध्यान रखें, जो मीठी मीठी बात करते हैं ना, इधर उधर के तर्क देकर हमारी गलतियों को जो जस्टिफाई करते हैं, वो लोग हमें नासमझी के कारण अच्छे लगते हैं, जबकि सबसे बड़े शत्रु होते हैं हमारे। लेकिन जो लोग कान पकड़कर हमारे मुंह पे बोलते हैं ना, वो होते हैं हमारे सच्चे हितैषी। आज अनजाने में अगर आप ये अमूल्य मनुष्य जीवन यूं ही गंवाते हैं, तो बाद में भविष्य अंधकार में जब दिखेगा तो आपको उसका सामना खुद करना होगा। फिल्म के मेकर्स आपको बचाने नहीं आएंगे, तो विवेक का उपयोग कीजिए, सावधान रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।